एंड इसमें बैकग्राउंड में देता हूँ, लास्ट टाइम हमारे ये बात हुई थी एंड दैट वाज अबाउट द डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट इज अ थ्री स्टेप डाइट जिसमें व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट सेवरल इयर्स, इट हैज बीन अबाउट नाउ 12 इयर्स, कि जो भी लोग डीआईपी डाइट पे जाते हैं उनका विद इन 3 डेज उनका ब्लड शुगर इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग। एज अ रिजल्ट दे हैव टू ड्रॉप देयर मेडिसिन एंड इंसुलिन दे हैव टू रिड्यूस बाय 50% मोस्टली ऑन एवरेज। और जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं एंड विद इन 3 डेज कॉन्स्टिपेशन वैनिशेस। और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है इट टेक्स अबाउट 7 डेज टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर नॉर्मल, मींस दे कैन स्टॉप द मेडिकेशन। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच इज सीन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम काइंड ऑफ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे रिजल्ट ऐसे नहीं भी आते हैं, लेकिन मोस्टली रिजल्ट ये यूनिफॉर्मली मैंने देखा है, भारत में देखा है, अलग अलग देशों में देखा है। आई ऑलवेज से दैट हेलो कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ एनिमल को कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने दी है, प्लांट को नहीं दी है। दिस मीन्स प्लांट कैन नॉट मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल, एनिमल ओनली कैन मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल। आई एम एनिमल, यू आर एनिमल, सो आवर बॉडी इज एबल टू मैन्युफैक्चर कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब जब हम प्लांट खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, ये सब प्लांट ओरिजिन है, तो हम कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब आप कोई एनिमल सोर्स से चीजें खाते हैं, जैसे हम चिकन खाएंगे, अंडा खाएंगे या दूध खाएंगे, पिएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे, तो हम कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप कोलेस्ट्रॉल डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। तो फिर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में वही वाला रहेगा जो बॉडी खुद बनाता है, बॉडी उतना ही बनाएगा जितना बॉडी की जरूरत है। हम हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और हम कोलेस्ट्रॉल खा भी रहे हैं, दैट इज वॉट कैन कॉज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल का ये थ्योरी एक अगर दिमाग में रख लें, दैट इज वेरी सिंपल, तो देर कैन नॉट बी अ कंफ्यूजन। मैंने जो एक्सपीरियंस किया, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट ऑफ थायराइड हाइपोथायराइड टू बी वेरी स्पेसिफिक, और इट टेक्स अबाउट 1 month टू रिड्यूस द मेडिसिन बाय 50%। इट टेक्स अबाउट 3 months टू बी फ्री ऑफ मेडिसिन। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर जो थायराइड के पेशेंट हैं आप में से कोई आपके लोग, यू टेक द मेडिसिन एंड स्टार्ट द डाइट। 1 महीने बाद यू चेक द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड टेस्ट कराइए, और उस थायराइड टेस्ट में जो भी रिपोर्ट है रिपोर्ट को देख के फिर यू हैव टू टेपर डाउन द मेडिसिन बाय 50%। देन 1 महीना और कीजिए, फिर दोबारा टेस्ट कीजिए, फिर दोबारा अगर रेंज में है, इफ इट इज इन द रेंज, देन यू ड्रॉप द 50% ऑल्सो, दिस मीन्स यू आर मेडिसिन फ्री। देन यू गो फॉर 1 month विदाउट मेडिसिन एंड देन चेक अगेन। और अब अगर आपका थायराइड लेवल TSH लेवल 10 से नीचे है, 10 से नीचे भी है बिना मेडिसिन के, दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट रिकवर्ड, नीड नॉट टू कंटिन्यू द मेडिसिन। तो दैट इज अ रूल ऑफ थम, इट टेक्स 1 महीना से लेके 3 महीना टू बी फ्री फ्रॉम थायराइड मेडिकेशन विद द DIP डाइट। बट देन दवाई बंद करने के बाद ये डाइट पे तो रहना पड़ेगा लंबे समय तक। स्टॉप द मेडिसिन एंड डोंट डू एनीथिंग। आपने मेडिसिन जी स्टॉप नहीं किया, आपने फूड एज मेडिसिन यूज किया। आपने ओके मेडिसिन स्टॉप कर दिया लेकिन उसकी जगह फूड एज मेडिसिन यूज किया। यू एट द फूड इन सच ए वे कि बॉडी को उस फूड को मैनेज करने में मुश्किल नहीं आ रही। डाइट और DIP डाइट अगर आपने नहीं सुना तो आप वीडियो देखेंगे तो DIP डाइट इसमें एक्सप्लेन्ड है, यू सी दैट। नॉर्मली जो वीट ग्रास का जो सीजन होता है वो होता है सितंबर से लेके मार्च तक। तो वीट ग्रास इज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द प्लांट्स। जितने सारे चीजें इंसान खा सकता है पी सकता है उसमें सबसे ज्यादा अगर पावरफुल कोई चीज है, अगर आप बोलेंगे किसी एक चीज का नाम लो, तो दैट इज वीट ग्रास, गेहूं की ज्वारे। लेकिन वो दुकान में बेचने को नहीं मिलता तो आपको घर पे ही उगाना पड़ेगा, और उगाने का सीजन सितंबर टू फरवरी या मार्च तक है। तो इट इज द मोस्ट पावरफुल फूड। इसके लिए मैंने एक किताब तो इसी के ऊपर बनाई है, हील विदाउट पिल। तो
मैं यही एडवाइस कर रहा हूँ कि दवाई छोड़ने से पहले यू बी ऑन डाइट राइट, फिर एक महीने बाद देखना कि वो दवाई वो वन से नीचे आ जाएगा। अब दवाई छोड़ेंगे तो वो 10 के अंदर ही रहेगा राइट। नॉर्मली जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 6 बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा 10 के अंदर अंदर रहेगा तो इट इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए जो गाइडलाइन है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एपिलेप्सी क्यों होता है। दुनिया में तीन तरह की चीजें हैं विच ट्रिगर्स एपिलेप्सी। अगर आप अपने खान पान से अलग कर देंगे तो आपको एपिलेप्सी आ नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रिगर ही नहीं है। तो वो तीनों ट्रिगर अगर आप हटा देंगे, उनमें से हो सकता है कोई एक आपके लिए ट्रिगर हो, लेकिन उन तीन में से कौन सा एक है वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये तीनों में से कोई एक है। नंबर वन ट्रिगर इज द एनिमल प्रोटीन। इफ एनिमल प्रोटीन इज नॉट गोइंग इनसाइड योर माउथ द ट्रिगर इज नॉट देयर, एंड इफ द ट्रिगर इज नॉट देयर एपिलेप्सी हो नहीं सकता। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन आप स्विच ऑन नहीं करोगे तो लाइट आ नहीं सकता, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कितना भी क्यों ना हो, ठीक उसी तरह से एपिलेप्सी के आपके नेटवर्क ऐसा हो कि एपिलेप्सी प्रोन हो लेकिन उसको स्विच ऑन करना है तो ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर पहला ट्रिगर द मोस्ट लाइकली थिंग इज एनिमल प्रोटीन। This means you have to avoid animal food that may include dairy product as well. पहली चीज। दूसरी चीज जो ट्रिगर करता है which is universally accepted that is grains, गेहूं ट्रिगर करता है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा यानी कि right। और तीसरी चीज refined thing, anything which is in refined form right that also triggers। गेहूं को broadly बोले तो gluten बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, gluten, refined, animal protein। ये तीनों में से आपके केस में हो सकता है एनिमल प्रोटीन कल्पित हो बाकी दो कल्पित ना हो, हो सकता है कि भाई ग्लूटेन कल्पित हो बाकी दो ना हो, हो सकता है तीनों कल्पित हो। तो बेस्ट तो ये कि तीनों ही छोड़ दो, क्योंकि तीनों का आपके हेल्थ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जिसके नहीं होने से आपका आपका न्यूट्रिशन कुछ मिस होगा। टेल यू दैट नेक्स्ट एपिलेप्सी विल नेवर हैपन राइट। फिर और पहली बात, और दूसरा जो मेडिसिन की बात आप कर रहे हैं जो आप खुद ही भी बोल रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल है, मेडिसिन डू नॉट गारंटी कि आपका अगला एपिलेप्सी नहीं होगा, वो कुछ नहीं बोलते, मेडिसिन भी दे रहे हैं और एपिलेप्सी भी होगा राइट। एक्सपेरिमेंटल है, जबकि वो एक्सपेरिमेंटल है और खतरनाक भी है तो उसको क्यों लेना, और जबकि ये प्रूवन है और इससे पक्का ही अगला एपिलेप्सी नहीं होगा, तो लेट अस अवॉइड दिस। तो इसको अवॉइड करेंगे तो कितनी भी पुरानी हिस्ट्री क्यों ना हो एपिलेप्सी की, यू कैन अवॉइड द नेक्स्ट एपिलेप्सी, दैट इज द ट्रूथ। जवाब ये है कि इन स्पाइट ऑफ ये सब केमिकल कार्बाइड होने के बावजूद भी ये डाइट काम करता है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने ऑर्गेनिक कहीं से ढूंढ के खाया होगा, जो नेक्स्ट डोर मार्केट में मिल रहा है वही खाया होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ दिव्या कि हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक को प्रमोट करें और उसकी आवाज बने, हम एक सोशल मूवमेंट करें, क्योंकि हम ही सब इसके पार्ट हैं राइट। हम खुद ही अगर थोड़ा महंगा मिलता ऑर्गेनिक हम लेते नहीं है, तो हम प्रॉब्लम भी हमें सोल्यूशन भी हमें ढूंढना है, और जब तक सोल्यूशन नहीं आता तब तक जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल है लोकल मार्केट में उससे भी काम चलता है। इनफैक्ट मैं खुद भी लोकल मार्केट से लेता हूं, और ये जानते हुए भी कि इसमें पेस्टिसाइड है कुछ कर नहीं सकते, करने की कोशिश कर सकते हैं, तब तक मैं जो आंकड़े बता रहा हूं कि कितने दिन तक फॉलो करने से कितना असर आएगा, वो ये दिमाग में रख के बता रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा होगा। अगर तो ऑर्गेनिक मिल रहा होगा तो और जल्दी असर करेगा। पीसीओडी हो या ब्लड से जुड़ा हुआ कोई बीमारी हो जिसमें डायरेक्टली ब्लड इन्वॉल्व है, उन सबका एक सोल्यूशन ही है डीआईपी डाइट प्लस ग्रीन एंड रेड जूस। ग्रीन एंड रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच, रेड मतलब बीट रूट या टमाटर, या इन तीनों को मिला के जूस अगर एक बड़ा ग्लास पी पाएंगे 300 ml का, और ऐसा लगातार एक महीने तक करेंगे, पीसीओडी विल वैनिश एक महीने में राइट। और उसके बाद एक महीने बाद वो ग्रीन एंड रेड जूस चाहे तो डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ उसको जिंदगी का पार्ट ही बना लीजिए। दैट इज अ वेरी पावरफुल जूस ग्रीन एंड अमंग ऑल द जूसेस। एक तो व्हीट ग्रास का जूस हो गया जो कभी कभी मिलेगा, वो तो एक शॉट लेना है 50 ml का। सेकेंड अगर कोई बेस्ट जूस अगर है तो वो वेजिटेबल में से ग्रीन एंड रेड कलर वेजिटेबल, दैट इज स्पिनच एंड बीट रूट एंड टमाटर।